हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर के आई हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी एक ऐसे प्लांट्स की जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है कैलेशिया फ्रेग्रेंस। इसको बास्केट प्लांट भी कहते हैं और आम भाषा में इसे चेन प्लांट भी कहते हैं। तो इसको बास्केट प्लांट क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आकार, इसका शेप आप देखिए, ये बास्केट के लिए बहुत अप्रोप्रिएट प्लांट है फ्रेंड्स। आप देखिए, ये बास्केट में जब हैंग होता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इसीलिए इसको बास्केट प्लांट भी कहा जाता है। और एक और रीज़न है फ्रेंड्स इसको बास्केट प्लांट कहने के लिए, क्योंकि ये जो प्लांट है ना, ये देखिए इसके साइड से ना, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से रनर्स निकलते हैं, चारों तरफ से बहुत सुंदर सुंदर रनर्स निकलते हैं। अभी मैं बड़ा प्लांट भी आपको दिखाऊंगी। अभी आप ये देखिए, ये रनर से ही मैंने इसको प्रोपगेट किया है। ये रनर ही निकला था मेरे बड़े प्लांट से, जिसको मैंने अलग पॉट में डाल दिया है। और ये इतना इतना सुंदर और इतना इजी टू मेंटेन प्लांट है कि इसको एक कोई छोटा बच्चा भी अगर रीपॉट करेगा ना, रनर से इसको उगाएगा, तो उसके सक्सेस रेट भी लगभग 100% है। और इसको कोई बहुत ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी ना, तो भी इसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जैसे बहुत तेज़ धूप हमने अगर इसको दे दी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आप ध्यान नहीं दे पाते या दो चार दिन कहीं चले गए, तो फिर ये धूप में रखा रह गया मेरा प्लांट, तो इसकी जो लीव्स हैं ये देखिए आप, ये मुड़ गई हैं, डिहाइड्रेट हो गई हैं। तो ऐसे में आप इसको फुल शेड दें और पानी दें अच्छे से, इसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, कूल एनवायरनमेंट में रखें, जिससे कि ये रिवाइव हो जाए। तो मेरा तो ये प्लांट ठीक होने लग गया है, और इसके आई होप अभी कुछ दिनों में रनर्स भी निकल आएंगे और ये फिर से एक सुंदर सी शेप ले लेगा, राइट। अभी मैं आपको एक बड़ा प्लांट दिखाने जा रही हूँ इसी का, जिसमें कि रनर्स निकले हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लग नहीं रहा ना कि ये उसी का बड़ा रूप है, ये वही प्लांट है। और इसके रनर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये रनर, मैंने इसको स्नेक प्लांट के साथ लगाया हुआ है, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और पॉट्स कम पड़ गए थे, तो इसीलिए इसका ये रनर है। ये देखिए, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा होगा मैं इसको भी रीपॉट कर दूँगी। ये देखिए, एक और प्लांट में, एक और प्लांटर में मैंने इसको डाला हुआ है, और ये देखिए साइड से इसके रनर्स निकल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो रनर था इसी को तोड़ करके मैंने लगाया था, ये अब यहाँ से सूख गया है। तो है ना फ्रेंड्स, इसको लगाना कितना आसान। तो फ्रेंड्स, इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत दिखता है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये जब छोटा होता है ना, टाइनी बेबी, जब इसके पप्स निकलते हैं ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत निकलता है। आप इसकी कलर देखिए, इसकी शाइन देखिए, कितना खूबसूरत ये लगता है। और जब इसके रनर्स निकलेंगे ना, बिलीव मी, ये आपका मन अपनी तरफ ऐसे ही आकर्षित कर लेगा, है ना। तो इजी टू मेंटेन, और एक ही प्लांट से आप कितने सारे हज़ारों पौधे क्रिएट कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको अपने प्लांट्स के रनर्स दिखाए थे, जो कि उसी रनर से मैंने इसको डेवलप किया है, और इसमें भी आई होप जल्दी ही रनर्स निकलेंगे। और आप बिलीव करेंगे, मैंने अपने इतने नेबर्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और सभी नेबर्स मेरे बड़े खुश हुए ये प्लांट लेकर के। और जब मेरे प्लांट्स, एक ही प्लांट इसका रह गया था ना, और रनर भी नहीं था कोई, तो जिन नेबर को मैंने ये गिफ्ट किया था, जिन नेबर को मैंने दिया था, उन्हीं नेबर से मैंने एक रनर लिया, और उसी रनर से मैंने इतने सारे प्लांट्स फिर से क्रिएट कर लिए। तो कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब हम देते हैं तो प्रकृति हमें वापस भी उतना ही लौटाती है। तो अगर मैं ये प्लांट नहीं देती, और जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं छुट्टियों में कहीं चली गई थी, जिसके कारण ये प्लांट मेरा ख़राब हो गया, तो अगर मैं अपने नेबर्स को ये नहीं बांटती, अगर लोगों को मैं नहीं देती, तो मुझे वापस भी शायद नहीं मिल पाता, और मेरे ही गार्डन में ये ख़त्म हो जाता, है ना। तो आज का मोरल मैसेज यही है कि किसी को देने में ना कमी नहीं करनी चाहिए, दिल खोल के बांटनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स भी ना हमें खुशियाँ देते हैं, और खुशियाँ जितनी बांटोगे उतनी ही खुशियाँ
हमारी बढ़ेंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही प्लांट्स को आप प्रोपोगेट कीजिए, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे ना फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपको इतने महंगे महंगे ये प्लांट ना बड़ा महंगा आता है, तो आपको प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और बहुत सस्ते में ही आप अपनी बागवानी के शौक़ को पूरा कर लेंगे, राइट। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।